वेलकम फ्रेंड्स टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रफ एंडो प्लाज्मिक रेटिकुल्स फंक्शन जैसे हमने पहले वीडियो में हमने कंसीडर किया था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेजर फंक्शन है वो प्रोटीन प्रोसेसिंग होता है प्रोटीन प्रोसेसिंग होने के लिए बहुत जरूरी है कि प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहुंचे क्योंकि हमने अच्छे से समझा है कि प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है वो राइबोसोम पर होता है तो राइबोसोम पर सिंथेसाइज होने के बाद में में प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो दो बातें पहला बनते बनते पहुंचेगा दूसरा पूरा बनने के बाद पहुंचेगा ये दोनों ही तरीके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर में प्रोटीन पहुंचाने के लिए, प्रोटीन प्रोटीन के लिए काम में लिए जाते हैं बनते बनते पहुंचेगा तो हम उसको बोलते हैं को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन और पूरा बनने के बाद में जो कि साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम्स होते हैं वहाँ पे प्रोटीन पूरा बनेगा और वहां से बनने के कम्प उनके सिंथेसिस कंप्लीट होने के बाद में वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ अगर लेकर जाया जाता है तो हम उसको पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन कहते हैं हम इन्हीं दोनों को डिटेल में कंसिडर करते हैं सबसे पहले फर्स्टली द co-translational ट्रांसलोकेशन ये मोस्ट कॉमन तरीका होता है endoplasmic रेटिकुलम में प्रोटीन को टारगेट करने का खास तौर से mammals में यही तरीका अख्तियार किया जाता है majority ऑफ टाइम और पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन usually yeast में काम में लिया जाता है लेकिन mammals में भी इसको ऑब्जर्व किया गया co-translational ट्रांसलोकेशन बेसिकली मे ईआर मेम्ब्रेन पर बाउंड राइबोसोम्स के थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमेन में चैनलाइज होता है उस वक्त कौन सी प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगी या नहीं जाएगी इस बात को तय किया जाता है कि जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जा रही हैं क्या उन पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिग्नल है अगर है तो ही वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगी अन्यथा नहीं जाएगी तो खास बात होती है हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं उसमें आप इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे फर्स्टली दिस पार्ट अगर हम बात करें कि एम आर एन ए के सिग्नल के बेसिस पर उनकी कोडोन सीक्वेंस के बेसिस पर राइबोसोम अमाइनो एसिड की एक सीक्वेंस बनाना शुरू करता है और जो प्रोटीन बन रहा होता उसका है उसका एंड टर्मिनस सबसे पहले बनता है अगर एंड टर्मिनस पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिग्नल है यानी ई आर डायरेक्टिंग सिग्नल है तो ही वो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर करेगा अदरवाइज नहीं करेगा जैसे ही वो सिग्नल प्रोटीन पर इमर्ज होता है उस पर एक प्रोटीन बड़ा प्रोटीन आके बाइंड करता है जिसका नाम है एस आर पी सिग्नल रिकग्निशन पार्टिकल और जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है जो एलोंगेशन फेज में चल रही थी वो बहुत ही स्लो हो जाती है रुक जाती है और अब ये जो राइबोसोम है जिस पर ट्रांसलेशन ना के बराबर हो रहा है इन राइबोसोम को एस आर पी रेटिकुलम की तरफ लेकर जाता है कैसे लेकर जाएगा सेल में मॉलिक्यूल्स हिटन ट्रायल मैनर में मूव करते हैं जिस मॉलिक्यूल की किसी दूसरे मॉलिक्यूल से एफिनिटी होती है वो हिट एंड ट्रायल मैनर में जाते हुए वहाँ पे चिपक जाता है और इसी तरीके से अलग अलग मॉलिक्यूल्स की मुलाकात सेल में होती है तो जाहिर सी बात है जिसका कॉन्सेंट्रेशन जिस मॉलिक्यूल का ज़्यादा है उस मॉलिक्यूल के हिट एंड ट्रायल मैनर में किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में बाइंड करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती चली जाती है अब हम जरा देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में एक ट्रांसमेंब्रेन प्रोटीन लगा हुआ होगा जिसको हम ट्रांसलोकेशन ट्रांसलोकोन बोलते हैं ये सेक सिक्सटी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है सेक स्टैंड फोर सिक्रेटरी पाथवे इसलिए इसको एस नाम दे दिया जाता है सेक सिक्सटी और इन द सिंपल टर्म्स वी कैन से ट्रांसलोकोन इसी ट्रांसलोकोन के पास में एस का रिसेप्टर होता है डायमेरिक रिसेप्टर अल्फा और बीटा सब यूनिट का मिलकर बना हुआ होता है जब एस राइबोसोम जिस पर प्रोटीन अभी बन रही थी और ईआर ER सिग्नल है उस पर बाइंड हो जाता है और बाउंड स्टेट में ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स आके एसआरपी रिसेप्टर और एसआरपी इंटरेक्शन की वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आके बाइंड हो जाता है बाइंड होने के बाद में आप इसमें एक खास बात देखेंगे एसआरपी और एसआरपी रिसेप्टर दोनों ही जी प्रोटीन है यानी इन पर जी बाइंड रहता है जैसे ही ये दोनों आपस में बाइंड होते हैं इनका जी टी पी एज एक्टिविटी ट्रिगर हो जाता है काम करने लगता है और एक एनर्जी डेवलप होगी और जी टी पी जी पी और फॉस्फेट में तोड़ दिया जाता है उसी एनर्जी की बदौलत एस आर पी वहाँ से हट जाएगा और वापस ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा और ई आर ER सिग्नल की वजह से जो प्रोटीन बन रहा है वो ट्रांसलोकोन से होता हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पुश कर दिया जाएगा ट्रांसलोकोन के ईआरल्यूमेंस ER फेस की तरफ एक प्लग बना हुआ होता है ये प्लग कुछ नहीं होता है, एक छोटी सी अमाइनो एसिड की एक पेप्टाइड होती है जैसे ही प्रोटीन बनते हुए प्रोटीन का फोर्स उस पर लगता है वो प्लग ऑटोमेटिकली वहाँ से हट जाता है और हटने के बाद में प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की रेटिकुल में ट्रिगर कर दी जाती है एंटर हो जाती है जैसे ही वो एंटर होगी ई आर सिग्नल को मेम्ब्रेन बाउंड एक एंजाइम होगा सिग्नल वो उसको काट देगा सिग्नल पैप्टाइडिसचर बड़ा सिंपल है जो ई सिग्नल सीक्वेंस है जो पेप्टाइड सीक्वेंस है उस पेप्टाइड को काटने वाला पैप्टाइडिस तो सिग्नल पेप्टाइड सीक्वेंस थी उसको काटने वाला सिग्नल पैप्टाइडिस और अब ये प्रोटीन पूरी तरीके से इसमें इंसर्ट हो जाएगा इंसर्ट होने के बाद में उसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जितनी उसकी फोल्डिंग होनी चाहिए थी उतनी फोल्डिंग होगी अगर तो ये प्रॉपरली फोल्ड हो पाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो ही ये गोल्जी बॉडी की तरफ और लाइसोसोम की तरफ मूव करेगा अदरवाइज ये कभी मूव नहीं करेगा सो प्रॉपर फोल्डिंग ऑफ ए प्रोटीन विद इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ हाईली हाईली रेटेड एंड हाईली इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट so this is how we can summarize this overall picture like that again you can consider and with the emergence of the endoplasmic reticulum signal the srp bound at the ribosome and translation get very slow then the srp because of the srp receptor interaction it uh, uh, moves the uh, ribosome towards the endoplasmic reticulum and ribosome would remain at the surface of endoplasmic reticulum until the protein is completely being synthesized once the protein is being uh, once the protein is completely synthesized then the ribosome is again removed from the endoplasmic reticulum so there is no connection between the ribosome and the endoplasmic reticulum except the elongating peptide so this is how the most common uh, kind of protein targeting occurs for the rough endoplasmic reticulum. Now, what kind of this signal is? As we can understand, that the translocone's inner surface is hydrophobic in nature. That's why only hydrophobic amino acids can easily enter in that one. That's why ER signal sequence is mainly composed of. Um, क्वेंस ए स्ट्रेच ऑफ हाइड्रोफेबिकोड फॉलोड बाई वन और टू पॉजिटिवली चार्ज ये, ER ये तकरीबन सोलह से तीस अमाइनो एसिड्स का यह सिग्नल सिक्वेंस होता है सो so, पहला जो पार्ट हमने था टारगेटिंग ऑफ प्रोटीन टू ईआर इसका पहला पार्ट था को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन हमने इसको कंसिडर किया द को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन इज मीडिएटेड बाई एस आर पी एंड एस आर पी इज़ फुल नेम हियर वी कैन सी सिग्नल रिकग्निशन पार्टिकल दिस सिग्नल रिकग्निशन पार्टिकल इज बेसिकली कंपोज ऑफ सिक्स पॉलीपेप्टाइड एंड अ स्मॉल आर एन ए नॉन एज सेवन एज आर एन ए इट इज़ हैविंग जी बी इज एक्टिविटी And also, this GTPase activity uh, triggers when this SRP binds to its receptor. That means its GTPase is SRP receptor dependent. So, that's the overall situation. In this situation, no specific energy is required for the protein translocation. But we have seen that GTP energy is required this gtp energy is required only for the association of the srp and the srp receptors interaction not for the protein translocation so this is highly important point now we are moving to the next kind of uh, trans translocation into er of a protein and that is post translational translocation into er once the protein is completely synthesized it has been retained in the unfolded state by the cytosolic chaperones. Now, what is the meaning of the chaperone? Chaperones are nothing but the small proteins which maintain the other proteins in unfolded state until it is it is properly folded. जब तक ये properly folded नहीं हो जाता तब तक इसको unfolded state में रखने की जो जिम्मेदारी है वो small proteins की होती है जिनमें ATPase activity होती है उनको हम chaperones बोला करते हैं ये ये प्रोटीन ट्रांसलोकेशन यानी पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन भी ट्रांसलोकोन के थ्रू ही होता है लेकिन यहाँ पे एस आर पी रिसेप्टर और एस आर पी की जरूरत नहीं पड़ेगी रादर हमें एक दूसरे कॉम्प्लेक्स की जरूरत पड़ेगी एंड दैट कॉम्प्लेक्स इज सेक्स सिक्सटी थ्री कॉम्प्लेक्स ये सेक्स सिक्सटी थ्री कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक टाइप का प्रोटीन होता है दूसरे जिसको हम एक चैपरोन भी बोल सकते हैं जिसको बोलते हैं बी आई पी ये बी एक टाइप का ए है उनको ये उनकी ए एक्टिविटी को ये ट्रिगर करता है तो जैसे ही बी आई के साथ में इस सेक्स सिक्सटी थ्री पर आता है इसका ए टी हाइड्रोलिसिस हो जाता है और ये बी आई कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है जो कि इंट्रूडिंग पेप्टाइड पे जाके बाइंड कर जाता है और इस तरीके से जो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं लगातार ये या, कंप्लीटली सिंथिसाइज प्रोटीन को अंदर की तरफ पुल करता रहता है सो यू कैन सी दट इन द को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन देर वॉज द पुशिंग फैक्टर फॉर द प्रोटीन ट्रांसलोकेशन इन टू ई आर वेल इन द पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन देर इज द पुलिंग फैक्टर मीडिएटेड बाई द बी आई पी इट इज ए टी पी डिपेंडेंट ओके सो दिस इज द वे How the proteins are being targeted to the endoplasmic reticulum. Now, the next part is protein modifications and the folding into the ER, that means the endoplasmic reticulum's rough endoplasmic reticulum's function, that we will discuss in the next lecture. Thank you so much. Stay blessed, stay at home, be safe. Thank you.